आरबीआई असिस्टेंट 2023 नोटिफिकेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी न्यूज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, इवन उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बैंक में पीओ लगे हैं, क्लर्क लगे हैं, वो भी इस जो है पोस्ट की, जो आरबीआई के असिस्टेंट की पोस्ट है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सारी डिटेल में बातें करेंगे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, एज है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, आपका प्रीलिमरी में क्या आएगा, मेंस एग्जामिनेशन में क्या आएगा, तो सारी बातें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो आरबीआई असिस्टेंट 2023 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज 450। और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो वैकेंसीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो होती है ये रहती है आपकी रीजन वाइज। तो चंडीगढ़ में जैसे टोटल 21 वैकेंसीज है, जम्मू में 18 है, आपका मुंबई में जो है 101 है, न्यू दिल्ली में 28 है। लेकिन आप जिस पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई करते हो वहां की लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जरूर देखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीलिमरी मेंस ही नहीं होगा, इसमें एंड में जो है एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। और अगर आपने सिर्फ वैकेंसीज देख के अप्लाई कर दिया और आपको उस पर्टिकुलर रीजन की जो है लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कुछ कॉमन लैंग्वेज है, जैसे अगर हम भोपाल सर्कल की बात करें तो वहां हिंदी है, चंडीगढ़ की बात करें पंजाबी और हिंदी है, अगर हम बात करें जयपुर की वहां भी हिंदी है, जम्मू वालों की भी हिंदी है, कानपुर एंड लखनऊ में भी हिंदी है, न्यू दिल्ली में हिंदी है, पटना में हिंदी है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज सर जो है मुंबई में है, 101 वैकेंसीज हैं, लेकिन मुंबई की जो लैंग्वेज है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके मुंबई के लिए आएगा मराठी एंड कोंकणी। तो अगर आपको मराठी और कोंकणी नहीं आती है और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के आप वहां पर अप्लाई कर देते हैं तो जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो आप उसमें फेल हो जाएंगे, फिर आपको उस टाइम जो है बहुत ज्यादा दुख होगा। तो आपने माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है आपको बोलना पढ़ना लिखना तीनों चीजें आती होनी चाहिए, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे सैलरी, एक नॉर्मल क्लर्क की बात करें, आईपीएस क्लर्क की बात करें, एसबीआई क्लर्क की बात करें या किसी और भी क्लर्क की बात करें, उसके कंपैरेटिवली जो आरबीआई असिस्टेंट की जो सैलरी है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको जो है बहुत अच्छी जॉब माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो ग्रॉस सैलरी है 47,849 जो इसकी ग्रॉस सैलरी रहती है, इसमें जो है प्रमोशंस के भी ग्रोथ के भी बहुत अच्छे प्रोसेस रहता है। आप स्केल वन लगेंगे, बाद में असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर लगेंगे, सीनियर मैनेजर लगेंगे, चीफ मैनेजर लगेंगे। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर है, इवन एक बैंक पीओ और क्लर्क से हम कंपैरिजन करें तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो बैंक पीओ भी लगे होते हैं वो भी आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से तैयारी करके देंगे तो आप जो है पेपर जरूर पास करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भी बात रहती है कि सर ये आरबीआई का पेपर है, शायद बहुत डिफिकल्ट होता होगा। नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर पिछले 2-3 साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो इवन बैंक क्लर्क लेवल इवन उससे भी आसान पेपर आता है। लेकिन यह है कि जब पेपर आसान आता है तो उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी हाई जाती है। तो ये पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप इसको इजिली क्रैक कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो वेबसाइट को जो लिंक है वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया और 4 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट है। प्रीलिमिनरी एग्जाम भी बहुत जल्दी है, अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23, ये दो डेट्स इन्होंने दे रखी है टेंटेटिव। और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2 को इन्होंने फिक्स कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, इनके सारे एग्जाम्स है, प्री है, मेंस है, तो जो है ये डेट्स जो है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस डेट्स को फ्री है और किस डेट्स को हमने एग्जाम लेना है। अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट कितनी चाहिए। तो एज लिमिट जो है वो 1 सितंबर 2023 को माय डियर स्टूडेंट्स 20 से 28 के बीच में चाहिए, आपकी एज जो है 20 टू 28 के बीच में चाहिए। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है, पंसर विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर है, विडो डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड उनके लिए अप टू 35 ईयर्स है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एक नॉर्मल जो पेपर होता है उसमें तो सिंपल ग्रेजुएट मांगते हैं, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में बैचलर डिग्री विद
50% मार्क्स इन्होंने कहा है, और अगर आप एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो सिंपल पास भी चल जाएगा, फिर आपको 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर पीसी मांगा है, लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको बाद में जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, रीड राइट एंड स्पीक, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा है यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन थ्री इन द लैंग्वेज यू आर अप्लाइंग। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई घर बैठे तैयारी हो सकती है। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट एकेडमी की जो एंड्रॉयड की आईओएस की विंडो की जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो वीडियो कोर्स मिल जाएगा। उस वीडियो कोर्स में कंप्लीट सिलेबस होगा, सारे पीडीएफ नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, आप वीडियोस जो है जितनी मर्जी बात देख सकते हैं, और एक साल की वैलिडिटी रहेगी। मींस ये वीडियो कोर्स आपको बाकी बैंक के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आप वीडियो कोर्स लेने से पहले आप जो है डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, और फिर भी आपको जो है खरीदने से पहले कोई मन में डाउट है वीडियो कोर्स को लेके, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9988442200, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फी कितनी है। तो एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस मैन के लिए सिर्फ ₹50 है, एक्स सर्विस जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, और स्टाफ के लिए नील है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे बैंक के बाकी पेपर में पैटर्न रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 30, 35, 35, जैसे बैंक पीओ का पेपर होता है, 30, 35, 35 मार्क्स रहेंगे, 20, 20 मिनट्स का पेपर रहेगा, मीन्स 100 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मेन्स एग्जामिनेशन में रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। सबके 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर आपको इसके टोटल मार्क्स है, और इसमें 30, 30, 30 और जीके में 25 मिनट्स और कंप्यूटर में 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और टोटल टाइम मिलेगा 135। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब आपको हर किसी में इंडिविजुअल जो है क्वालिफाई करना है। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट बनेगी मेंस की, उसके बाद जो है मेंस के बाद क्या होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 प्रीलिमिनरी में भी है, मेंस में भी है। जितनी नंबर ऑफ सीट्स है 10 टाइम्स जो है वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, और मेंस के बाद जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए 2 टाइम जो है बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, पेपर अच्छे से पेपर की तैयारी करेंगे, तो आपका पेपर जो है वो पास होगा। तो आरबीआई असिस्टेंट का जो बच्चे भी टारगेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करो, और जो आपका सपना है आरबीआई में लगने का उसको पूरा करो। मैंने वीडियो में आपको सारी बातें बता दी है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, God bless you all.